कह रहे हैं हाउ टू बैलेंस आर स्टडी एंड लव, है ना। देखो जब आपको पता है कि आपकी रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पे या जहां से आप सस्टेन करेंगे। देखो प्यार हो, रिश्तेदार हो, घर बार हो, सब चीजें वेरिएबल हैं, इधर उधर होती रहेंगी। हमेशा आपके साथ कोई नहीं चल सकता, आप अपने साथ रहते हैं और आप जो करते हैं, जो आपका काम है वो आपके साथ रहता है, है ना। तो जरूरी है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी या अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें। जितनी इंपॉर्टेंस आप प्यार को दे रहे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा ही दें पढ़ाई को भी, है ना। क्योंकि देखो जब आप कमिट कर लेते हैं ना ये चीज, मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखती जो लोग कहते हैं कि भैया जो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, ये वो ऐसा होता है, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, बट ये उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने शायद प्रायोरिटी अपने काम को या अपनी पढ़ाई को उतना नहीं रखा था जितना प्यार को रख दिया था। अगर आप एक व्यक्ति के बिना सांस नहीं ले पा रहे तो आपको ये नहीं दिख रहा कि आपकी जिंदगी खराब हो रही है, आप उसके उस काम के बिना, उसको अचीव किए बिना भी तो सांस कैसे ले पा रहे हैं। मतलब आपके लिए वो बराबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है उतना जरूरी आपकी आइडेंटिटी। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ नौकरी नहीं लगेगी तो हायर जिएंगे नहीं, उसी पे आइडेंटिटी कुछ और करेंगे, लेकिन अपने काम पे फोकस तो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आप प्यार को आपका ऊपर चला जाता है, आपकी तैयारी यहाँ रह जाती है, तो ऐसे इक्वेशन बनेगा तो फिर तो बर्बादी ही है ना। तो ये आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। प्यार कहीं जात हो रहा है, प्यार का मतलब ये थोड़ी आप रात दिन फोन पे लगे रहोगे, है ना। काम करो, जब मौका मिले आपको लगता है एक हफ्ते में एक दिन आप ऐसा निकालोगे जब आप घूमने जाओगे या मिलोगे या बात करोगे, ठीक है। अब वो हर रोज का ड्रामा मत क्रिएट करो ना, उस चीज को फोकस करो, सामने वाले को भी अपना आगे बढ़ने दो, खुद भी आगे बढ़ो। यही तो टाइम है आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने का। एरिक एरिक्सन तो कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं तो आ जाएंगे फिर, ठीक है।